जी सर, हमारे पुराने क्या आप आ रहे हैं और वेरी गुड, आई थिंक बहुत ही वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत सही तरीके से किया है और आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड या friends, this is Longinus Fernandez. This man doesn't need any introduction. He's Ravi Gosai. He's Ravi Gosai. The world has seen him. The world has seen you too. एनीवेज हम लोग काफ़ी सालों बाद मिले हैं और काफ़ी सालों बाद एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसे दोस्त की म्यूज़िक लॉन्च में मिले हैं कि जिसको हम दिल से बधाई देना चाहते हैं. वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट फिफी कैनाइज, वेरी वेरी बिग सक्सेस टू यू. आई होप आप सब लोग ये सीटी मार एल्बम ज़रूर देखें, सुने और इसको खूब लाइक करें, खूब इसको आगे बढ़ाएं. थैंक यू. पहले तो आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आप यहाँ आए, आपने अपना टाइम लगा यहाँ आए इस बारिश में. खैर 10 साल इसलिए क्योंकि मुझे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मिला और मैं दुबई में और यूके में काम कर रही थी. इंग्लिश मूवीज़ जैसे एक है जो अभी रिलीज़ हो रही है, Only Love Matters, जो इंटरसेक्स पे है, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी. और थिएटर मैंने किया है. फिर बहुत मिस कर रही थी मैं बॉलीवुड को, अपने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को बहुत मिस कर रही थी. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वापस आ जाऊँ. मैंने काफ़ी सीरियल्स किया है और जैसे अरुणा जी के साथ काम किया है, बालाजी में काम किया है, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है. लेकिन जब मैं गई तो दिल हिंदुस्तान में था पर वहाँ पे मैं फिज़िकली थी. और फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि जो शख्स, जो वो इंसान है, जो एक्चुअली वो टैलेंट है, जो यहाँ बैठा हुआ है, जिनके साथ मैंने अपने सारे म्यूज़िक वीडियोस किए हैं, महबूबा से लेके ये दिन तो आता है एक जवानी में, और महबूबा जो रीमिक्स था, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये दिन तो आता है जवानी में, और फिर उसके बाद बहुत बहुत सारे गाने किए, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने उसी शख्स को जो ही इज़ दी मैन द सॉन्ग, उन्हीं से मैं कांटेक्ट करूं, उन्हीं को बताऊं कि आई वांट टू कम बैक टू माय इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, मुझे वापस आना है, और क्यों ना हम एक हट के गाना करें और आज के तौर का गाना करें. तो इस वजह से मैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वापस आई, क्योंकि दिल यहाँ था, अब पूरी शरीर यहाँ नहीं है. आप सबके सामने इन्होंने सही कहा, हिमांशु जी ने, कि फ्रॉम अरबिक पोल डांस अप टपोरी. अब जो आज का दौर है तो यही है ना. आज के ज़माने में लड़के बहुत छेड़ रहे लड़कियों को, उनकी मजाल जो हमें छेड़े. तो इसलिए हम दिखाना चाहते थे आप लोगों को, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि हम लड़कियों को छेड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतना मत मारे पे सिट्टी तने मिट्टी करके जाएगी. इसीलिए टपोरी गाना है. एब्सोल्युटली हम औरतें अब लड़ रहे हैं. दिस इज़ लाइक अ वुमेन एम्पावरमेंट सॉन्ग, जहाँ पे सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि
पूरे ब्रह्मांड में ये चल रहा है, रेप हो रहा है, लड़कियों को छेड़ रहे हैं, मोलेस्टेशन हो रहा है, मर्डर्स हो रहे हैं, इट्स नॉट अ नाइस थिंग. तो हमने इस ग्लैमर में वी मिक्स्ड ग्लैमर एंड मैसेज जो हम देना चाहते हैं, क्योंकि आज के दौर में और कोई यू नो इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इतने वॉर्स चल रहे हैं, इतने कोविड के बाद स्पेशली, तो हम एक ऐसा चीज़ दिखाना चाहते थे कि ग्लैमर के साथ साथ एक ऐसा गाना हो जो एक मैसेज दे दे एंड वुमेन एम्पावरमेंट हो. तो हम औरतें वी वॉन्ट टू कॉन्कर द वर्ल्ड. Song we actually met through a mutual friend when it first started, and from the song itself we've become more than family, haven't we, through the song. We've dealt with so many difficulties as most people went through due to COVID and so forth, but finally 3 years later we've managed to produce this song, and the message is the same as what Kenal said. We want to show a message that we women are just as strong as men. We are equal, we're not above, we're equal, and we want to stop being objectified by men, which keeps going on even on the 20th century, in 2023, and we're still being objectified. We have so many stories being told, yet we're an object. We wear a short skirt or a long skirt, whether we're fat or thin, every remark is made. But if a man does exactly the same thing, no remarks are made. In fact, he's applauded for everything he does. So hopefully this message gives out across men and women that women are not objects. To men and women, must fight for your own rights, and we must stick together, otherwise we won't be able to change the world. Basically ek line mein hum aurte aap jaise hain, hame categorize mat kijiye, hum aap se neecha nahi hain, hum log aap se barabar hain, to hame neecha na dikhai. Dekhiye pichle kuch ek dashak se aap sab dekh rahe honge कि जो भी गाना बन रहा था उसमें फीमेल को ऑब्जेक्ट करके रैप किया जा रहा था, और उसके साथ साथ मैं कुछ नॉर्थ के शोज़ कर रहा था तो मैंने देखा कि देयर वर सम गाइस जो एक लड़की को बीच सड़क में फप्ती मार रहे थे. तो मुझे वहाँ से ही आइडिया जनरेट हुआ था कि आई शुड डू अ सॉन्ग कि हम सब लोग हमेशा एक फ़ीमेल को ऑब्जेक्ट बना के रैप नहीं लिखें, कुछ ऐसा करें कि फ़ीमेल की साइड का जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है कि भाई वो बराबर है, जो एक मैसेज कैनाज ने बताया, कि ये सब आइडिया था इस गाने को बनाने से पहले. और एक दिन सडनली लॉकडाउन में कैनाज कॉल्ड मी फ्रॉम लंडन, सो शी आस्क्ड कि शेज़वो आई वांट टू यू नो कम बैक अगेन इनटू बॉलीवुड. तो मैंने उसको आइडिया दिया कि यार ये गाना एक मैं बना रहा हूँ, आई एम वर्किंग ऑन इट, तो देख अगर तुझे अच्छा लगता है तो वी शुड वर्क ऑन इट, क्योंकि इसको प्रोड्यूस करने के लिए एक डेयर भी चाहिए, थोड़ा अलग है, कमर्शियल नहीं है. आज आप सीधी सीधी बात लड़की को लेके ऑब्जेक्ट करके करते हैं तो वो बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच जाती है. अगर आप लड़की के ऑब्जेक्ट से बात करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट था टू प्रोड्यूस एंड टू ग्रैब दिस आइडिया. तो कैनाज ने कहा आई एम रेडी टू डू दिस, वहाँ से एक गाना बना. और गाने को जो टपोरी था, वो टपोरी इन द सेंस स्वैग है, वो लड़की का स्वैग है, लड़की भी ऐसे जवाब दे सकती है, तो वो बेसिक आइडिया ये. देखिए इस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ, एक लंबा दौर आप सब ने देखा ही है, हम लोगों ने एंजॉय किया है, और ये एक राइड होती है कि जब आपका समय चल पड़ता है तो वापस गाने लोगों को पसंद आने शुरू हो जाते हैं. शायद अभी लॉकडाउन में मेरा एक गाना रिलीज़ हुआ था जो आप पिछले 4 साल का सबसे बड़ा गाना है, सबसे छोटी कास्ट के साथ सबसे बड़ा गाना, 700 मिलियन में मैं शराबी करके है. और अभी जो शान वाला गाना है 4 दिन पहले रिलीज़ हुआ, वो भी एकदम से ही सडनली हिट हो गया. तो मैं आज कैनाज को कह रहा था कि इट्स अ टाइम रनिंग विद अस, ये जो सी डी मत मार है ये एक डिफरेंट मैसेज के साथ लोगों में जाएगा, और फॉर श्योर जो जिस तरह का हमने आइडिया कंसीव किया, भगवान ने चाहा तो वो लोगों को पसंद आया. सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं गया था कुछ और के लिए और किया कुछ और. मैं तो था वहाँ पर कुणाल कोहली साहब के फिल्म के लिए, तो वहाँ पर ये और उस दरमियान मैं इनसे मिला, इनको पता चल गया कि मैं वहाँ पर हूँ, तो इन्होंने बोला कि यार आप यहाँ पर हैं तो फिर मेरे लिए ये काम कर लो. तो मैं बोला क्या है, मतलब ये म्यूज़िक वीडियो है. मतलब कौन सा म्यूज़िक वीडियो, मैंने सिटी मत मांगा, होगा कुछ गाना है. लेकिन जब मैंने सुना मैंने बोला बॉस मैं ये कर रहा हूँ, आई सी इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू, बट यू हैव टू वेट फॉर मी. तो इन लोगों ने बहुत पेशेंस रखा, प्रिया जी और कैनाज जी ने बहुत पेशेंस रखा कि जैसा 1.5 महीना ख़त्म हो गया मेरे शूटिंग का, मेरा शेड्यूल खत्म हो गया था, इन्होंने बोला कि यू डोंट वरी, वी विल टेक केयर ऑफ यू, एंड दे टुक केयर ऑफ मी लाइक हाउ. दैट वॉज द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ, एंड द शूटिंग वॉज हिस्ट्री, यू नो.
विद ऑल द लॉकडाउन हैपनिंग एंड विद ऑल दीज प्रॉब्लम्स गोइंग अराउंड, इन्होंने मुझे ऐसा एहसास भी नहीं दिलाया कि इतना सारा तकलीफें हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इतना प्यार से मक्खन जैसा शूटिंग निकल गया। हम लोगों ने 3 दिन शूटिंग किया बॉम्बे में, बड़ी मुश्किल से 2 दिन मिलते हैं, इन्होंने 3 दिन लंदन में दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहना जी की लाइफ का फर्स्ट होर्डिंग ब्राइट ने लगाया है, और उसके बाद जितने भी एल्बम आए उसमें ब्राइट उसका एक हिस्सा है। मुझे बहुत खुशी, और मैडम बहुत मेहनती और बहुत अच्छी लड़ी है, और मुझे बहुत बार लंदन बुलाया, मैं बहुत बार लंदन काम के लिए गया लेकिन मौका नहीं मिला उनको वहाँ मिलने का। तो अभी परसों हिमांशु भाई उनको मेरे ऑफिस लेके आए कि इनका एल्बम लॉन्च हो रहा है, मेरा 3-4 अपॉइंटमेंट था सब मैंने कैंसिल करके स्पेशल इन्होंने बोला कि आप लक्की है मेरे लिए, और सब सुपरस्टार के लिए भी लक्की साबित होते हैं, तो मेरे को आपके होर्डिंग पे आना ही है। तो हिमांशु भाई और मैडम की रिक्वेस्ट पे चित्रकूट जैसे बड़ी जगह में मैडम का भी होर्डिंग लगा के दिया है, तो होप इनका एल्बम सुपर डुपर हिट होवे और ब्राइट फ्यूचर और सब सुपरस्टार के जैसे ये भी बड़ी सुपरस्टार बने तो ये फोटो लाइफ में दूसरी बार काम आवे। गाना बहुत अच्छा है आज के युग के हिसाब से, आज के टाइम के हिसाब से मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो आगे को भी पसंद आए और काफ़ी हिट होते हैं। मैं गाने से पहले वो जो बताना चाह रहा था वो मैं उस वाले मेरे कैप्सूल में भूल गया, किसी भी गाने को लोगों तक पहुंचाना या हिट करने में विजुअल्स का बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो हमने गाने के बारे में बात की, उसमें एक पॉइंट जो मिस हुआ वो ये हुआ कि जो वो एरा था जिसमें कैनाज वॉज परफॉर्मिंग ऑन आवर सॉन्ग्स और वो गाने हिट हो रहे थे, उस तरह के परफॉर्मेंसेस गाने को हिट करते हैं। तो लॉन्जी का ऑफकोर्स द डायरेक्शन पार्ट वॉज वेरी गुड, लेकिन जो परफॉर्मेंस कैनाज ने किया वो अगेन आई कैंडी परफॉर्मेंस था, और मेरे इसमें मेरे लिए गाने के लिए तो कुछ नहीं क्योंकि संचित जी ने गाया है सिटी मत मा तू खाएगा बीमार खाएगा बीमार खाएगा बीमार तू इतना मत मार बसिटी तन मिट्टी करके जाएगी तेरी झांग बांध देगी ये तुझे घंटी जैसे बज। सी लैंग्वेज अभी जो हमने लैंग्वेज इसमें यूज किया वो लिंगो वहीं से लिया, मतलब हरियाणवी एग्जैक्ट नहीं है, जहाँ की ये घटना को मैंने ग्रैब किया था तो लैंग्वेज मैंने वहीं का ले लिया। इट्स वेरी नॉर्थ। मैंने तो सिर्फ लिप सिंक किया, जो भी था हरियाणवी था जो भी था टपोरी था तो मैंने सिर्फ गा लिया। Hi everyone, this is my first trip to India and I would say that I love your culture, I love how much you love life, how much you are full of colors, spices, food. I fell in love with Pani Puri here. So I want to say that it has been a very tough year for everyone, especially girls and women. And what I love about my sister is how much she supports girls. And she does not say much about herself, but I live with her and I know what she's doing. So I know that this music video will empower girls and will also brighten up their life. And she's just a real sister and a real friend to everyone. So I would say that I bless her and I just wish her all the best. मैं कहती हूँ कि उन लोगों ने बहुत मेहनत की है, इन लाइफ इन लोगों ने बहुत मेहनत की, लॉन्जी सर ने सबके साथ मिलकर। तो अभी ये गाना लॉन्च हो जाएगा तो इन लोगों की ड्रीम आगे बढ़ जाएगी, और आप सबका साथ मिलके भी ऐसे सबका साथ हो, दुनिया में सबका ड्रीम खत्म हो इन लोगों के जैसा। तो मैं बोलती हूँ कि ये गाना सुन के इनके पास से सीखो और सब आगे बढ़ो मेरी बेटी की तरह। ये दोनों बेटियाँ ने बहुत हार्ड वर्क किया है और दोनों को मैं शाबाशी देती हूँ कि मैं करना चाहती थी मैं कभी नहीं कर सकी, क्योंकि कभी सास थी कभी ससुर था कभी डैडी बोलते नहीं उधर नहीं जा सकते हैं, मगर इन दोनों ने काम करके दिखाया कि नहीं हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, कि ऐसा नहीं है कि औरत एक चूल्हा ही चला सकती है। सो यू नो आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी वेरी ग्रेटफुल।
जी यार हम तो बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने हैं, सालों साल वही डांस का पैशन है और लॉन्जी का काम है, लॉन्जी का काम एवन रहता है, वेरी क्रिएटिव और जो भी आता है पर्दे पर दिखता है, सो आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम, आई कॉन्ग्रेचुलेट कैलाश एंड ऑल द होल टीम. Ah, I...